हेलो गाइस एंड वेलकम बैक दोस्तों, आज हम क्रिप्सो सीरीज़ के एक और एपिसोड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द मैन इन द सूटकेस। लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है, लालच इंसान से क्या क्या करा सकता है, आज हम ये सब देखेंगे इस एपिसोड में। लेकिन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जल्दी एक बड़ी सी फैमिली बन सके। नाउ बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सीन स्टार्ट होती है एक एयरपोर्ट लॉबी से जहाँ हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम जस्टिन है। जस्टिन यहाँ पर लगेज कार्ट के पास अपने बैग का वेट कर रहा होता है एंड तभी लगेज कार्ट अचानक से बंद हो जाता है। वो एयरपोर्ट ऑफिस की तरफ जाता है कंप्लेन करने, बट लगेज कार्ट फिर अपने आप ही चालू हो जाती है जहाँ पर उसका बैग भी आ जाता है। वो अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि लगेज कार्ट में एक और सेम बैग रहता है जो कि थोड़ी देर बाद बाहर आता है। उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ करी रहती है। एयरपोर्ट से जस्टिन अपने कार में अपने रूम की तरफ ड्राइव कर रहा होता है एंड वो कार में ही वीड स्मोक करना स्टार्ट कर देता है। उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है एंड गलती से उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला को वीडियो कॉल चली जाती है। इससे पहले कि वो कॉल काट सके, कार्ला फ़ोन उठा लेती है। वीडियो कॉल स्टार्ट होते ही कार्ला जस्टिन से कहती है कि वो उससे कॉल क्यों कर रहा है एंड वो ब्रेकअप के बारे में सीरियस है। जस्टिन बेसिकली एक ब्रोक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था जिसके पास पैसों की काफ़ी कमी थी। कार्ला उससे कहती है कि वो काफ़ी डीमोटिवेटेड लड़का है एंड उसे कोई और अच्छा चाहिए। इसी के साथ वो कॉल कट कर देती है। जस्टिन यहाँ पर अपने रूम पहुँचता है जो कि काफ़ी गंदा रहता है। वो कुछ खाने के लिए फ्रिज में जाता है लेकिन उसके रूममेट एलेक्स ने खाना पहले ही ख़त्म कर दिया रहता है और एक बॉक्स पे जस्टिन के लिए गालियाँ लिखी रहती है। जस्टिन अपने रूम जाकर वीड का पैकेट निकाल कर फिर से स्मोक करना स्टार्ट कर देता है। नशे में वो कभी थोड़ी वीडियोस देखता तो कभी थोड़ी पढ़ाई भी कर लेता एंड इसी में उसकी नींद लग जाती है। उसकी आंख खुलती है जब उसका बैग अचानक से उसके सामने आ जाता है। उसके बैग से एक दबी हुई आवाज़ आती है कि प्लीज़ हेल्प मी। उसे लगता है कि उसका रूममेट एलेक्स उसे मजाक कर रहा है एंड बैग से फिर एक आवाज़ आती है कि यहाँ पर कोई एलेक्स नहीं है। जस्टिन घबराते हुए बैग को खोलता है एंड घबरा कर पीछे भाग जाता है। बैग में एक आदमी रहता है जिसे किसी ने तोड़ मरोड़ कर उस बैग में डाला था। वो आदमी अभी भी जिंदा था एंड जस्टिन से वो कहता है कि प्लीज़ मेरा सर घुमा दो ताकि मैं खुलकर बात कर सकूं। जस्टिन घबराते हुए एक बैट उठाता है एंड डरते डरते उस आदमी का सर घुमाता है जिसमें हड्डियों के चटकने की काफ़ी आवाज़ भी आती है। सर घुमाने पर अब वो आदमी अच्छी तरह बोल पा रहा होता है एंड पहले तो जस्टिन से उसे ना मारने बोलता है जिस पर जस्टिन बैट नीचे फेंक देता है। जस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। सूटकेस में रखे आदमी को हम सूटकेस मैन कहेंगे ताकि इससे आपको आसानी होगी। सूटकेस मैन उससे कहता है कि उसने किसी को गुस्सा दिला दिया था एंड उन लोगों ने उसकी यह हालत कर दी। जस्टिन ऐसे की हालत में और भी पैनिक करता है एंड उसे हॉस्पिटल लेने की बात करता है लेकिन सूटकेस मैन उसे मना कर देता है। वो जस्टिन से कहता है कि वो इसे उस सूटकेस से निकालने से मदद करे ताकि वो खुद अपने पैरों से यहाँ से चले जाए। इस पर जस्टिन उससे कहता है कि तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है एंड अगर मैंने तुम्हें सूटकेस से बाहर निकाला तो तुम मर जाओगे। सूटकेस मैन उससे कहता है कि फिर भी तुम मुझे बाहर निकालो, कुछ नहीं होगा। जस्टिन सूटकेस मैन का एक पैर पकड़ कर बाहर निकालने की कोशिश करता है एंड यहाँ पर सूटकेस मैन को काफ़ी दर्द हो रहा है। सूटकेस मैन को दर्द होने पर उसके मुँह से कुछ निकलता है एंड जस्टिन उसे कैच कर लेता है। देखने पर वो एक सोने का सिक्का लग रहा होता है। सूटकेस मैन अब उससे एक बात कहता है कि उसकी बचपन से एक हालत है कि उसे दर्द होने पर उसके मुंह से सोना निकलता है। वो जस्टिन से कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा सूटकेस से बाहर निकलने में तो इस कोशिश में जितना भी सोने निकलेगा वो उसे रख सकता है एंड इतना कहते ही वो सोने लगता है। वो जस्टिन से कहता है कि वो थक चुका है एंड बाकी कोशिश कल सुबह करेंगे। सीन यहाँ चेंज होती है जहाँ जस्टिन एक पॉन शॉप में दिखाया जाता है। पॉन शॉप एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पर आप कुछ भी बेचकर पैसे ले सकते हैं। शॉप का ओनर उसे उस गोल्ड कॉइन के बदले $275 देता है। जस्टिन चेक लेकर अपने दोस्त एलेक के पास जाता है। यहाँ एलेक्स उससे कहता है कि उसे ज़्यादा मांगना चाहिए था, $500 तक तो मिल ही जाते एंड वो जस्टिन से थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए बोलता है ताकि लोग उसका इस्तेमाल ना कर सके, जैसे कि उसका इस्तेमाल कार्ला कर रही होती है। फिर वो जस्टिन से पूछता है कि उसके पास ऐसे गोल्ड कॉइन्स और हैं और ये उसे कहाँ से मिली। तो जस्टिन इस पर उसे सारी बात बताता है। एलेक्स उसकी बातों को नहीं मानता एंड वो एलेक्स को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ता है। रूम पहुँच कर जस्टिन जैसे ही की से दरवाज़ा खोल रहा होता है, अंदर से उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला बाहर आती है। वो कार्ला कहती है कि जस्टिन मैंने तुम्हें बहुत कुछ सोचा था लेकिन तुम एक मर्डरर हो गए, मैंने ये ना सोचा था। जस्टिन उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर कार्ला कहती है कि मैं अपने बचे कुचे सामान लेने आई थी।
ये तीनों अंदर जाते हैं जहाँ सूटकेस में से एक हाथ बाहर निकला रहता है। एलेक्स जल्दी से सूटकेस खोलकर पीछे आ जाता है। सूटकेस मैन को जिंदा देखकर कार्ला और एलेक्स काफ़ी डर जाते हैं। फिर कार्ला उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है। यहाँ पर उसे दर्द होता है एंड उसके मुँह से ढेर सारे कॉइन निकलने चालू हो जाते हैं। एलेक्स ये देखकर उन दोनों से कहता है कि वो इससे काफ़ी पैसे कमा सकते हैं एंड यहाँ उनकी लालच जाग उठती है। लेकिन जस्टिन कहता है कि उसे फीलिंग आ रही है कि अगर उसने सूटकेस मैन को ज़्यादा दिन अपने पास रखा तो कुछ बुरा होने वाला है। जस्टिन कार्ला से बात कर ही रहा होता है कि दूसरी तरफ एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों के नीचे फेंक देता है। सूटकेस के नीचे गिरते ही उसे ढेर सारे गोल्ड के सिक्के बाहर आते हैं। इतने सिक्के देखकर वो तीनों लालची हो जाते हैं। अब जस्टिन भी एलेक्स की बातों को मान जाता है लेकिन वो उसे एक शर्त रखता है कि वो उसे बस 48 घंटे के लिए अपने पास रखेंगे। उसके बाद ये तीनों सूटकेस मैन को काफ़ी अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं एंड ढेर सारे सिक्के कलेक्ट करते हैं जिनसे वो काफ़ी अय्याशी भी करते हैं। इनका लालच दिन ब दिन बढ़ते जा रहा होता है। काला और एलेक्स इधर मेकआउट कर रहे होते हैं, यानी कि काला जस्टिन को चीट कर रही होती है। जस्टिन वहाँ आ जाता है लेकिन इससे पहले एलेक्स अपने रूम चले जाता है। दूसरे दिन सुबह हम देख पाते हैं कि रूम में ढेर सारे सिक्के पड़े हैं एंड ये तीनों सूटकेस मैन को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं। उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है जिससे सिक्कों की बारिश हो रही होती है। इलेक्ट्रिक शॉक से सूटकेस में बंद आदमी को काफ़ी दर्द हो रहा होता है एंड वो काफ़ी चिल्ला रहा होता है। जस्टिन ये देख कर शॉक देना बंद कर देता है एंड एलेक्स उससे पूछता है कि उसने इलेक्ट्रिक शॉक देना बंद क्यों किया। जस्टिन कार्ला एलेक्स को समझाने की कोशिश करता है कि वो आदमी और दर्द नहीं सह पाएगा, वो इससे मर भी सकता है, ये सब यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन वो दोनों इसकी बात नहीं मानते एंड सूटकेस मैन यहाँ पर बीच में बोल पड़ता है। वो बोलता है कि मत रुको, मुझे मार दो, शायद कुछ देर में मेरी दिल की धड़कन भी बंद हो जाए। एलेक्स तभी इलेक्ट्रिक चार्ज मैक्सिमम पे कर देता है एंड जस्टिन उसे रोककर पहली बार अपने लिए एक स्टैंड लेता है। वो अपना फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल करता है एंड ये देखकर कार्ला को गुस्सा आता है। गुस्से में वो एक हथौड़ा उठाकर उसके फ़ोन पे मार देती है एंड उसी हथौड़े से बाद में जस्टिन के सर पर भी मार देती है। जस्टिन का सर काफ़ी खून निकल जाता है एंड रूम से बाहर निकल जाता है। कार्ला उसके पीछे हथौड़ा लेकर फिर से उसे मारने जाती है लेकिन जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब कार्ला एलेक्स बातें कर रहे होते हैं कि अब वो दोनों क्या करें। एलेक्स कहता है कि एक आखिरी शॉक देते हैं एंड जितने पैसे आएंगे उसे लेकर ये लोग कहीं बाहर चले जाएंगे, बाहर ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ खुलता है रियल ट्विस्ट। पीछे से सूटकेस मैन कहता है कि नो नो नो, तुम बच्चे बहुत नॉटी हो, ये दुनिया तुम्हारी गंदगी कैसे संभालेगी। एंड इसी के साथ उसकी आँखें चमकने लगती है एंड देखते ही देखते एक काफ़ी बड़े डरावने जीने में बदल जाता है। एलेक्स और कार्ला दोनों डर के मारे काफ़ी चिल्लाते हैं। जीनी यहाँ पर दो सूटकेस निकालता है एंड उन दोनों को एक एक करके सूटकेस में बंद कर देता है। बैकग्राउंड में हमें उन दोनों की चीखने की आवाज़ सुनाई देती रहती है। यहाँ सीन चेंज होता है एंड हॉस्पिटल बेड पे जस्टिन रहता है। बेड के साइड में उसके लिए एक फूल रहता है जिसमें एक मैसेज रहता है कि माय स्वीट बॉय, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आँख बंद करके मेरे बारे में सोचना। इधर एयरपोर्ट काउंटर में हम काफ़ी सारे बैग्स देखते हैं एंड यहाँ हम सूटकेस मैन को देखते हैं जो कि चल फिर रहा होता है एंड स्टोरी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, स्टोरी हमें हमारे लालच को दिखाती है कि कैसे इंसान किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है अपनी चाहत पूरा करने के लिए। सूटकेस मैन बेसिकली एक जीनी था जो कि ऐसे ही इंसानों को ढूंढ कर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता था और जस्टिन जैसे अच्छे लोगों को इनाम देता था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये काम ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इसी के साथ थैंक यू।